सरकार को सतर्क कराइले संघ प्रमुख जनसंख्यार संतुलन नहले देश होइजिब खंड खंड धर्म परिवर्तन एवं अनुप्रवेश को नहीं जाहिर कले चिंता विजया दशमी में भारत विजय बार्ता देले मोहन भागवत जनसंख्या नियंत्रण को नहीं केंद्र सरकार को सतर्क कराई आरएसएस मुख्य मोहन भागवत सारा देश में एक संतुलित जनसंख्या नियंत्रण नीतिर आवश्यकता रही से कहते नागपुर ठारे संघर वार्षिक विजय दशमी उत्सव में से भली बयान देते जनसंख्या नियंत्रण नहीं हिंदू और मुसलमान मानों पर अलग अलग नीति को से नापसंद कर एभली हेले देश विभाजन आशंका रही से कहते हम भुगते जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना कोसोवो बना जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए देश टूट गए यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से लालच से मतांतरण यह सबसे बड़ा फैक्टर है और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है उस संतुलन का भी ध्यान रखना देशहित की दृष्टि से अनिवार्य बात है और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने वो सब पर समान रूप से लागू हो एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए इसकी आवश्यकता है। आरएसएस रो सबुठारु बड़ उत्सव हेउछि विजया दशमी संघर प्रतिष्ठा दिवस रे एहार मुख्य जेउ वार्ता दियंती ताकु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर आभिमुख्य बोली मने करा जाय देशरे नारी सशक्तिकरण दरकार नारीक बिना समाज अग्रगति होई परिबनी सारा पृथ्वी रे भारत प्रति सम्मान ओ विश्वास बढ़ुछि महाराष्ट्र नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस मुख्य कार्यालय रे जनसाधारण को संबोधन बेले एभली कहिछंति मोहन भागवत प्रथम थर पर जड़े महिला एठारे मुख्य अतिथि भाव निमंत्रण पर्वतारोही संतोष यादव एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे आरएसएस मुख्य मोहन भागवत केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस प्रमुख एथिरे जोगदे अवसर में शस्त्र पूजा करा जाए थिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।